देश भर में इस समय मानसून छाया हुआ है, लेकिन उत्तराखंड में बारिश आफत बन गई है। राज्य में लगातार भारी बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे हालात खराब होते जा रहे हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते जलभराव, भूस्खलन और सड़कों में रुकावटें जैसी समस्या पैदा हो गई हैं। यहां पर नदी नाले उफान पर हैं, लोगों के घरों और ऑफिसों में पानी घुस गया है। भारी बारिश का असर चार धाम यात्रा पर भी पड़ रहा है। वहीं रिपोर्ट्स के अनुसार राज्य की करीब 125 सड़कें ब्लॉक हो गई हैं। हालात और ना बिगड़े, इसको लेकर मौसम विभाग की तरफ से राज्य के कई जिलों को भारी बारिश के चलते रेड अलर्ट पर रखा गया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। देहरादून में दो दिन से लगातार बारिश हो रही है, लेकिन गढ़वाल के पर्वतीय क्षेत्रों में भी कहीं कहीं हल्की और तो कहीं मध्यम बारिश का क्रम बना हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बुधवार को राज्य में भारी बारिश के चलते लगभग 125 सड़कें ब्लॉक हो गईं, जबकि पीडब्ल्यूडी ने आज 87 सड़कों को खोलने की कोशिश की है और 63 सड़कों का खुलना अभी बाकी है। इनमें से 47 सड़कें ग्रामीण क्षेत्र में हैं, 9 राष्ट्रीय और राज्य राजमार्ग हैं। ये सभी सड़कें पौड़ी, देहरादून, पिथौरागढ़, चंपावत, अल्मोड़ा और नैनीताल जिलों में हैं। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के बीच भूस्खलन की समस्या भी पैदा हो गई है, जिसके चलते चारधाम मंदिरों की ओर जाने वाले राजमार्ग भी ब्लॉक हैं। लामबगड़ के पास भूस्खलन का मलबा आने से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग ब्लॉक हो गया है। वहीं यमुनोत्री राजमार्ग डबरकोट के पास भी भूस्खलन का सामना करना पड़ा, जिससे सड़क ब्लॉक हो गई। इसके अलावा रोंगती नाला के पास पहाड़ों का एक बड़ा हिस्सा टूटने के कारण धारचूला और तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग भी ब्लॉक हो गया। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। गंगा और सरयू खतरे के निशान से महज कुछ मीटर नीचे बह रही हैं, जबकि अलकनंदा, मंदाकिनी और भागीरथी नदियां खतरे के निशान को पार कर चुकी हैं। गोमती, काली गौरी और शारदा नदियों का जलस्तर भी बढ़ रहा है। इसके चलते लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने लोगों को नदियों के पास जाने से बचने की सलाह दी है। उत्तराखंड मौसम विभाग ने कई जिलों को रेड अलर्ट पर रखा है, जिसमें चंपावत, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर के साथ साथ कुमाऊं क्षेत्र का भी अधिकांश हिस्सा शामिल है। साथ ही देहरादून, पौड़ी, टिहरी और हरिद्वार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए न्यूज़ स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।